जल्दी स्टार्ट कर दें। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता। अरे सर, टी शर्ट एक ही पहन के आए हो, कोई अंतर कल वाले ही आयो पहन के। कृष्णा एक ही टी शर्ट है, 150 रुपये में खरीदा हूँ। तो स्वागत करता हूं आपके हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज मिनिमम 500 क्वेश्चन करोगे और वो भी बहुत शानदार तरीके से। 14 टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, कॉपी पे लिख के लाया हूं। देखो इसमें कुछ डिटेल नहीं लिखा हुआ है, केवल टॉपिक का नाम है। ये 14 चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे और आप कॉपी पेन निकाल लेना। कौन कौन सा जनरल का कितनी कमाल होते हैं आज मैं दिखाता हूं आपको। तो जो ऑनलाइन में भी बच्चे हैं वो भी कॉपी पेन निकाल लेना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं मॉर्निंग है ना रे। अच्छा हाँ, 12 बजे के बाद हो गया तो इवनिंग ही लगा दे, ठीक है। सर जी आज तो मचा डालोगे, अच्छा लग रहा है तेरे को, चल ठीक है। सबसे पहले ना फलों का वर्गीकरण में हम कुछ फल को देखेंगे। शायद आपको फल ही नहीं पता हो और मैं नाम बोलूं परसिमोन, तो तुझे ये नहीं समझ में आएगा कि ये कीट बोल रहे हैं, बीमारी बोल रहे हैं, कैरम बोला नहीं जानते हो ये सब। तो सबसे पहले तो एक दर्शन कराऊंगा फल का। तो जब दर्शन करोगे ना तब फल पढ़ने में आनंद आएंगे, बार बार फल दिखाऊंगा नहीं। तो 5 मिनट हमें लगेंगे, एक दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा फल किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू कर दे। ये भारत माता है, भारत माता की जय, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं आज की लेक्चर। देखो एक बार और रहने दे रहे, ठीक है। अब आप नरेंद्र भैया स्टार्ट करते हैं। आज नरेंद्र भैया संडे कहीं चले घूमने, हल्दी घाटी की ओर चलते हैं। मतलब तेरे को ले जाने से मुझे क्या मजा आ जाएगा बता, मजा आ जाएगा पागल, क्या मजा देगा तू बता। चल आगे बढ़ते हैं, और बोलेगा बताओ नहीं बोलेगा। ये भारत है, देखो सबसे पहले, अब हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे ना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे फलों के जलवायु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ, जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में। किस फल को किस जलवायु के अंतर्गत रखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं कि फलों के जलवायु। आज ऐसा कलर ले लिए कि कुछ दिख ही नहीं रहा है इस पे। तू कौन सा, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। अब ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ऊपर वाले, इसको यहां लिखता हूं, इसे हम बोलेंगे क्या, टेम्परेट। पहले बता चुका हूं पर थोड़ी थोड़ी रिवीजन करवा देता हूं। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, टेम्परेट। दिख रहा है इधर, दिखाओ नरेंद्र, दिख रहा है या नहीं, टेम्परेट दिख रहे हैं। सेकेंड वाले जो रीजन है अपना यहां, इसको हिंदी में बोलते हो शीतोष्ण। एक बार लिख देता हूं 5 मिनट, शीतोष्ण। ये बीच वाला जो भाग आ रहे हैं, ये बीच वाला भारत के, ये बीच वाला क्षेत्र, यहां से ये बीच वाला, इसको हम रखेंगे किसमें, समशीतोष्ण में। किसमें रखेंगे बताओ, समशीतोष्ण में। इसे अब बोलोगे सब ट्रॉपिकल। ये ध्यान रखना किसको हम क्या लिख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र को भारत के आप क्या हम बोलेंगे आज के बाद फलों के वर्गीकरण में, टेम्परेट। जब भी मैं बोलूंगा कि टेम्परेट फ्रूट पढ़ रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आएगा कि इसका सबसे अच्छा उत्पादन कहाँ होता होगा, भारत के ऊपर वाले भाग में। जैसे यहाँ लद्दाख हो गया, सियाचिन हो गए, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, इसका प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा, यानी ऐसे फल कहां उगना पसंद करेंगे इस क्षेत्रों में, ठीक है। जहां ठंड क्या है ज्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। चलो ये, और नीचे वाले जो भाग है जो हमारे हॉर्टिकल्चर का हृदय माना जाता है, आत्मा माना जाता है, वो हमारे ये क्षेत्र है। भारत के कौन सा क्षेत्र है बताओ,
मध्य से लेकर लोअर वाले, इसे अब हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा बोलोगे बताओ? ट्रॉपिकल यानी कि इसको हम बोलेंगे उष्ण। सही बात है। तीन भागों में हमने बांट दिया, कौन कौन? ट्रॉपिकल, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट। मजा नहीं आ जाएगा नाच तो तुम बताना, लेकिन सबसे पहले ये कहानी आना चाहिए। जब मैं बोलूं बेर क्या है, तो यही तीन में रखना है तुझे, रख दोगे फटाफट। बेर किस में है तो तुम्हें तीन में आना चाहिए। आम किस में है पहले इसमें डाल देना कि सर इसमें आएंगे, फिर फल पढ़ने में आनंद आएंगे। अब जो टेम्परेट होते हैं ना, इस टेम्परेट के लिए टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, किसके तापमान का, तो तुम रखोगे 24 से 28। कितना रखेंगे? सॉरी सॉरी, टेम्परेट है ना यहां 24 से 28, किसका है? ट्रॉपिकल का। इधर और गर्मी ज्यादा है तो इसको रखेंगे 28 से 32, और इसको रख लेंगे 16 से 20 के आसपास। 16 18 होते हैं, 14 18 होते हैं, 1-2 डिग्री प्लस माइनस हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये कहानी था, इसके बाद की स्लाइड में मैं अच्छे से और ले लेता हूं। इधर वाले भाग आपको समझ में आ गया कि गुरुजी ये तो है टेम्परेट, और ये वाले क्या हो गए यहाँ पे? सब ट्रॉपिकल। और नीचे वाले क्या हो गया? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ सालों भर समान तापमान रहेंगे। ताप क्या रहेगा बताओ? समान। अब ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ दो भाग बने हुए हैं। इस मैप को अगर देखोगे तो राजस्थान यहाँ पे है। कहाँ पे है राजस्थान बताओ? इस क्षेत्र में क्या है? राजस्थान। और इधर वाले जो एरिया है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या बोलते हो इसको बताओ? नॉर्थ ईस्ट। और यहां सबसे ज्यादा होता है वर्षा। अगर बारिश कहीं ज्यादा होगा तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं? इधर। और वेस्टर्न जो रीजन है, पश्चिमी भारत जिसे कहते हो, यहां पे क्या है? सबसे कम बारिश होते हैं। यानी ये तो सूखा प्रदेश है। क्या है बताओ? सूखा। तो सूखा सब ट्रॉपिकल से ये कौन सा है बताओ? सब ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण। इससे एक भाग अब और अलग कर दिया गया जिसको हम बोलते हैं एरिड। तो बताओ क्लाइमेट को कितने भागों में हम बांट देंगे टेम्परेचर के आधार पे? चार। कौन कौन? टेम्परेट, एरिड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। क्या क्या है? टेम्परेट, एरिड, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, ठीक है, ये चार भाग में। अब आ जाए एरिड का टेम्परेचर क्या होता है। तो हमने सब ट्रॉपिकल कहां छोड़ा था बताओ? 32 पे। तो इसके तापमान होंगे 32 से 36 तक। कहां होंगे बताओ? 32 से 36 तक। किसका चला जाएगा बताओ? एरिड। अगर पूछा जाए किस जोन में सबसे हाई टेम्परेचर पे, सबसे अधिक तापमान पे फल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो कौन आएगा? एरिड। कर लोगे ये भाग? चलो अब हम आते हैं इसके उदाहरण पे। पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने करवाया, 40 लेक्चर आपको करवा चुका हूं जनरल हॉर्टिकल्चर। कितने हो गए होंगे? 40 लेक्चर हो गए। उसके बाद भी एक बार लगा फल शुरू करने से पहले ये शुरू कर देता हूं कहानी। अब हम बात करेंगे किसका? ट्रॉपिकल, जिसका टेम्परेचर आपको कितना अप्रोक्स मिलेगा बताओ? 24 से 28। और यहां सालों भर क्या होते हैं? समान तापमान। क्या गुरुजी ये सब हमारे केवल ट्रॉपिकल का मतलब दक्षिणी भारत में ही होंगे? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, क्या इधर ही होंगे? महाराष्ट्र में नहीं, होते तो हैं देश के हर एक क्षेत्र में। देखो आम राजस्थान में भी लगा देते हो, आम बिहार में भी लगा देते हैं, केला भी राजस्थान में लगाते हो, पर मतलब क्या है? केला को चाहिए कितना? बार बार पूछेगा तो तुझे एक टेम्परेचर बता दिया, बार बार रटने की जरूरत नहीं। तो कितने फल है बताओ? 10 है, तो 10 तो याद नहीं करना पड़ेगा ना। इसका टेम्परेचर होते हैं एग्जैक्ट 26 डिग्री सेल्सियस। यानी केला को उपयुक्त तापमान कितना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए? 26 डिग्री। कितना चाहिए? 26 डिग्री चाहिए। आम पूछेगा तो आम को कितना चाहिए बताओ? 24 से 28। तो ये सब सारे फल जो हैं, आम है, केला है, इसको लिखूं आम, और क्या है बताओ? केला। ये क्या है? पपीता। एक बार लिख देता हूं ताकि शुरुआत कर रहा हूं। ये है अनानास,
ये क्या है अनानास, ये है दोस्त अमरूद की बात करें, ये है चीकू, ये क्या है चीकू, ये है सीताफल, क्या है ये सीताफल, ये है कटहल, क्या है कटहल, ये है कैरम्बोला, कैरम्बोला ये नाम ही नहीं सुना होगा कैरम्बोला, कोई बात नहीं, कटहल नहीं नाम सुना होगा तू लोग, ये बता देता हूं, ये है पर्सीमोन, ये कोकोनट, इसका नाम सुना होगा नारियल, और ये है काजू, ये क्या है बताओ। तो ये दोनों तो आ जाते हैं किसमें, प्लांटेशन में, किसमें आ जाते हैं बताओ, इस इधर पढ़ना नहीं है, पर इतने सारे फल जो हैं ये किस जलवायु का है, ट्रॉपिकल, किसका है बताओ। अगर एग्जाम में आ जाए निम्नलिखित में से, एकदम फिक्स ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्ण जलवायु का फल है, तो कैसे पहचानोगे बताओ। ये जो फल होते हैं ना, जनरली इसी फल को घर में पापा लाते हैं। अगर बोलोगे पापा बड़ा खुश हो जाएंगे, सैलरी आ गया, तनख्वाह आ गया, तो पापा एकदम तुम्हारे लिए केला ले आएंगे, ले बेटा केला खो, फल लाया, अमरूद ले आएंगे उठा के, ये अमरूद, और आम के सीजन में क्या ले आएंगे, आम, 1 केजी आम लाएंगे, 100 रुपया लगेगा, 4 आम उसमें आएगा, 25 रुपया का 1 आम, परिवार हम 12 हैं तो 1 आम को 4 भाग बांटूंगा, तो इस हिसाब से इसको काट काट के खिलाते हैं। यानी ऐसा फल जो कैसा होता है बताओ, सस्ता होते हैं, कैसा होते हैं सस्ता, और कैसा लगेगा तुझे खाने में, मीठा। अच्छा ऐसे पकड़ लेंगे सर कि ये किसका होता है, उष्ण का, लेकिन गुरुजी यहां आप गलत बता रहे हो, तो यहां स्टार लगा दूंगा, इस पे लगा दिया बताओ, पाइन एप्पल, अनानास, अनानास कैसा है बताओ, है तो उष्ण, कैसा है उष्ण, लेकिन ये खट्टा लगते हैं, ये कैसा लगेगा बताओ, खट्टा। अच्छा तो ये तो कल भी बता रहे थे सर ऐसा कि जो खट्टा लगे मीठा लगे, तो एक प्रश्न और करते जाऊं, ये सब सारे क्या है, क्लाइमेट्रिक है, कैसा है, आम क्या है, इधर लिख देता हूं क्लाइमेट्रिक, केला क्या है क्लाइमेट्रिक, पपीता क्लाइमेट्रिक, और ये खट्टा लगा तो कैसा, नॉन क्लाइमेट्रिक, अमरूद क्लाइमेट्रिक, चीकू क्लाइमेट्रिक, कस्टर्ड एप्पल क्लाइमेट्रिक, जैक फ्रूट क्लाइमेट्रिक, तो यहां तक तो याद रखो, बाकी इधर प्लांटेशन और माइनर फ्रूट्स अपने को पढ़ना ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट्रिक होते हैं, कैसा नेचर का होगा बताओ, क्लाइमेट्रिक, और नॉन क्लाइमेट्रिक में एक है केवल, वो कौन है बताओ, पाइन एप्पल। तो 10 और 10-20 क्वेश्चन तो निपटा दिया, एक तो इसकी टेम्परेचर कोई भी पूछ ले तो 24 से 28 के बीच ऑप्शन टिक कर दोगे, दूसरा क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक, ये पॉइंट हम कर लेंगे, और तीसरा इन सब का पीएच नहीं याद करना, इन सभी का पीएच अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रॉपिकल जो होते हैं मेरे दोस्त कौन होता है बताओ, ट्रॉपिकल फल, अब ट्रॉपिकल फल का उदाहरण तो तुझे पता हो जाएगा, अरे उष्ण फल बता तो दोगे किसी को, और उष्ण फल में क्या क्या बता दोगे आप, तापमान बता दोगे, ताप कितने आएंगे 24 से 28 डिग्री, और उसके बाद इसमें मृदा पूछ लेगा आपसे कि बताओ मिट्टी कैसी होगी, तो सॉइल सबका होगा कैसा, सैंडी लोम, कैसा होगा बताओ, सैंडी लोम, बलुई दोमट जिसको कहते हो, क्या बोलोगे इसको, बलुई दोमट, कैसी मिट्टी होगी, बलुई दोमट हो गया, सही सर, दोमट कर दिया। अब आपसे पूछेगा पीएच, रटते रहना, जनरली जो क्रॉप होते हैं ना इन सभी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होते हैं, कुछ एक को छोड़कर वो हम याद नहीं रखेंगे। अगला आप बता दोगे क्लाइमेट्रिक, सब क्या है क्लाइमेट्रिक, एक क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक, वो क्या है पाइन एप्पल, वो कौन है बताओ, पाइन एप्पल। अगला पूछेगा इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई साहब, नेचर कैसा होता है, क्या ये एवरग्रीन है या डेसीडुअस है। सर जी दो शब्द आप लेकर आ रहे हो, कौन कौन, एक का नाम है डेसीडुअस, डेसीडुअस का मतलब वो फल जो अपने पत्ती को गिरा देते हैं उसे हम कहते हैं पतझड़ी, और दूसरा होता है एवरग्रीन, दूसरा क्या है एवरग्रीन, जो अपने पत्ती को नहीं गिराते हैं इसको बोलते हैं सदाबहार, सदाबहार नगमे का नाम सुना है ना, सदाबहार, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, तुझे क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो,
मेरी जिंदगी का तुम्हें आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। कौन है? सदाबहार नगमे, समझ में आ गया? जो कभी अपनी छवि को खोने नहीं देगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सदाबहार। और पतझड़ी कौन है? झलक दिखला जा, झलक ना किसी एक ही टाइम दिखेगा आपको, तो ये एक बार आजा 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 तो एक ही बार आओगे, आने के बाद फिर बोलोगे चले जा चले जा चले जा। तो ये होते हैं पतझड़ी। तो ध्यान रखना, ऐसे पादप जो अपने पत्ती को गिरा देते हैं वो क्या कहलाएंगे? पतझड़ी। जो अपने पत्ती को नहीं गिराएंगे वो क्या कहलाएगा? सदाबहार। तो जनरली जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? एवरग्रीन। ऐसा होता है बताओ? आपने आम का पत्ती गिरते हुए नहीं देखा होगा जल्दी, केला नहीं देखा होगा, पपीता नहीं देखा होगा, पाइनएप्पल नहीं देखा होगा, चीकू नहीं, किसको छोड़कर? अमरूद। ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। किसको छोड़कर? अमरूद को छोड़कर, अमरूद को छोड़कर। याद रहेंगे ये पॉइंट? बताओ, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा फल है जो एवरग्रीन नहीं है ट्रॉपिकल में? तो कौन नहीं है? अमरूद। अमरूद अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। देखा होगा अमरूद ऐसे कंकाल के जैसा खड़ा हो जाएगा कि लो अब कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। तो ये अमरूद। तो ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फल दिखाना चाहता हूं। ये क्या है मेरे दोस्त? जैक फ्रूट। क्या है? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को देखो, ऐसा फल जो अपने फल को, देखो इसके फल कहां लग रहे हैं? तना पे। किस पे लगते हैं? बहुत ऐसे कम फल देखा होगा जो तना पे ही ऐसे लटकता हुआ लग जाए, ऐसे। इसको बोलते हैं ऐसे नेचर को कॉलीफ्लोरस नेचर। क्या बोलोगे बताओ? कॉली। कॉली का मतलब होता है, कलम का मतलब होता है स्टेम, तना, और फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर, यानी ऐसा फल या ऐसा फूल जिस, सॉरी, ऐसा फल जो कहां लगता है? तने पे लगते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लोरस। तो पूछेगा कौन ऐसा फल है जिसका कॉलीफ्लोरस नेचर है? तो कौन है? जैक फ्रूट। और इसी को हम बोलते हैं कटहल। क्या बोलोगे? कटहल। और इसको ऐसे छुओगे तो खुरदरा लगेगा। कैसा लगेगा? खुरदरा। तो इसके फल प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फल प्रकार कहोगे सोरोसिस। देखो आम, पपीता, ये सब तो दिखाया नहीं क्योंकि समय बर्बाद होता, तो डायरेक्ट जो तुम नहीं देखे हो वही दिखाया हूं। तो ये कटहल का कैसा नेचर है? कॉलीफ्लोरस। और इसके अंदर ना, एक ही फल के अंदर बहुत सारे फल है, बहुत सारे क्या है? फल है। तो ये उदाहरण है मल्टीपल फ्रूट्स का। किसका उदाहरण है? मल्टीपल फ्रूट्स का उदाहरण है कटहल। तो ये ध्यान रखोगे, मल्टीपल में कौन कौन आते हैं? कटहल आते हैं, सहतूत आते हैं, और अनानास आते हैं। कौन कौन आते हैं? कटहल हो गया, जैक फ्रूट हो गए, मलबरी हो गए, और पाइनएप्पल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? मल्टीपल फ्रूट्स के अंतर्गत। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कैरम्बोला। बार बार आते हैं कैरम्बोला। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं स्टार फ्रूट्स। स्टार फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। वो कौन है बताओ? कैरम्बोला। ये एक ध्यान रखोगे। ये है पर्सीमोन। माइनर फ्रूट्स में इसको देखते हैं पर्सीमोन। ये सब खाने होने के लिए सोचना मत, ये यूरोपियन कंट्री वाले खाते हैं। कौन खाते हैं? गोरे गोरे जो लोग होते हैं ना, वो सब खाते हैं। तुम तो बस केवल देखो, हाँ पर्सीमोन ये फल है, ऐसे देख के दर्शन करना। ये काजू जो कल मैं बता रहा था, ये काजू का पेड़ है, और ये काजू में ये वाले काजू हम उपयोग करते हैं। ये अभी काला है, ये क्या है?
काला, इसको गोरा बनाएंगे। गोरा कब बनेगा? जब इसमें हम क्रिया करेंगे रोस्टिंग। क्या करेंगे? इसमें नमी की मात्रा भी ज्यादा है, इस नमी को भी हम क्या करेंगे? कम करेंगे। किस क्रिया के द्वारा हम करेंगे? रोस्टिंग के द्वारा। यह है सपोटा, चीकू। नाम सुना? कल हमने बोला था खिरनी इसका रूट स्टॉक है, रेयान इसका रूट स्टॉक है। रेयान का साइंटिफिक नाम मेनिलकारा हेक्सेंड्रा होता है। क्रिकेट बॉल इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। चलो, तो ये आपने किसके बारे में सुना बताओ? सब सॉरी उष्ण फल के बारे में। किसके बारे में? ऐसा फल जो क्या होता है बताओ? सस्ता होते हैं, मीठे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण फल। टेम्परेचर कितना होगा? 24 से 28। कितना होगा? 24 से। और ये ज्यादातर फल क्या होते हैं? अपनी पत्तियों को गिराएगा ना, तो ये नहीं गिराएंगे तो किस बिरादरी में आएगा? एवरग्रीन में। किस में आएगा? एवरग्रीन को बोलते हैं सदाबहार। और जो सदाबहार होते हैं ना, उसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग नहीं करते। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कभी सुना है? पपीता में, केला में, नहीं सुना ना? तो ये कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किसमें करते हैं? जो अपनी पत्तियों को गिरा देगा। अच्छा, पत्ती को गिराऊंगा तभी तो फालतू डाली रखे रहेंगे, और यही फालतू डाली को ही काटना क्या कहलाएगा? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अगर इस डाली को पूरा हुमच के काट दिया गर्दन तक, सपोज मैं एक तना हूं, मेरे में ऐसे डाली लगा हुआ है, और तूने तलवार लाया यही से काट दिया, दोनों हाथ मेरा काट दो, ऐसे खड़ा हूं, ये हो गया ट्रेनिंग। ये क्या हो गया? हुमच के कस के काट दो, लो पूरा खत्म कर दिया पेड़ को, दैट्स इज ट्रेनिंग। गर्दन काट दिया ऐसे, डी हेडिंग, यानी कि डी बैकिंग भी बोलते हैं, डी हेडिंग भी बोलते हैं, तो हेडिंग बैक भी बोलते हैं। गर्दन को ही हटा दो तो ये क्या कहलाया? हेडिंग बैक। लेकिन ऐसे डाली है, अब यहां पे ये अंगली सड़ रहा है मेरा, फुटकी आगे वाला भाग, तूने लाया चाकू, ये अंगली को ऐसे ऐसे कतर के हटा दिया, तो छोटी सी भाग हटाया, ये प्रूनिंग कहलाएंगे। ऐसे हूं नाखून काट रहा है, दैट्स इज प्रूनिंग। छोटकी छोटकी वाली कटाई, वो क्या कहलाते हैं? प्रूनिंग। बड़की कटाई क्या कहलाएगी? बड़की कटाई नरेंद्र भैया, वो कहलाएंगे ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे किसका? समशीतोष्ण। किसका बात करेंगे? अच्छा बताओ, समशीतोष्ण का मतलब ये चीज देख रहे होगा, राजस्थान के फल ये ज्यादातर कहां दिखेंगे बताओ? ये दिखेंगे आपको कहां? राजस्थान में। और राजस्थान के फल क्या होते हैं? ज्यादातर खट्टे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है बेचारा को, भूमि वैसी नहीं है, शुष्क प्रदेश में हो रहा है, लवणीय मृदा में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एडवर्स। देखो, आपको अगर प्रश्न आ जाए, सुनो ध्यान से, तीनों में कौन ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा संकट को सहता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सबसे ज्यादा कष्ट को कौन सह रहा है? सब ट्रॉपिकल। गलत जवाब, टेम्परेट। कौन सहता है? टेम्परेट में ना इतने तक पेड़ ऐसे डूब जाते हैं बेचारा बर्फ से, और बोलता अरे भैया कुछ दिखने रहा है रे, यहाँ तो केवल गर्मी ज्यादा है, और वहां क्या है? अरे टेम्परेचर 24 से 28, इसको मिल रहा है 35-40, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एवरेज जो टेम्परेचर होते हैं पेड़ पौधे को, वो मिलना चाहिए 25 से 35 के बीच। कहाँ मिलना चाहिए? 25 से 35 में पेड़ अच्छा काम करेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत होंगे पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। और वहां सियाचिन जम्मू कश्मीर में -16 डिग्री चले जाते हैं, -16 डिग्री तुझे सियाचिन में ले जाके नंगे ऐसे खड़ा कर दे -16 पे, देखना क्या हालत होते हैं। ज्यादा दिक्कत वहां होंगे या जैसलमेर में होंगे? दोनों जगह नग्न खड़ा हो जा तू, जाके खुद एक्सपेरिमेंट कर ले, तो जैसलमेर में देखोगे कि तुम रह लोगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। लेकिन सियाचिन जम्मू कश्मीर में अगर माइनस में खड़ा कर दिया तो देखोगे पूरा शरीर जम गया, तुम भी बर्फ बन गए हो, बन जाओगे ना। तो ज्यादा एडवर्स कहां है, ज्यादा खतरनाक किधर है बताओ? टेम्परेट में। चलो, ये समझ में तो आया तुझे कम से कम? आप जानते हो इतनी कठिनाई के बाद जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, ये कहानी है। जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन सा फल तपता है? अब तो समझ में आ रही है, टेम्परेट वाले। कौन फल तपते?
सपने का मतलब कष्ट सहता है, सबसे ज्यादा कष्ट कौन सह रहा है? सेब। इसीलिए उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा। उसको खा नहीं पाते हो तुम लोग, केवल देखते हो, अरे अरे सेब जा रहा है पागल, ऐसे ऐसे कल्पना करते हो। आडू उडू तो पागल मैं तुझे दिखाया हूं, तू देखा थोड़ी था आडू, पलम उलम देखा था, मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये अब ये कौन है? ये बीच बिचवा वाला है बेचारा। एक तो एकदम उधर चला गया भिन्न में, और एक सबसे महंगा हो गया, ये बीच वाला है। कौन कौन? बेर ले लो, बेर ले लो, 20 रुपए 25 रुपए 20 रुपए 25 रुपए। बेल हो गया, फालसा हो गया, कौन है ये? फालसा हो गए, जामुन हो गए, ये सब सस्ता सस्ता वाला माल है। करौंदा ले लो, करौंदा ले लो, 12 रुपए 14 रुपए करौंदा, अचार बना लेना, तो ये करौंदा हो गया। आंवला ले लो, तो ये आंवला रामदेव बाबा आएंगे ले जाएंगे, त्रिफला बना देंगे इसका। क्या बना देंगे बताओ? त्रिफला। इम्पोर्टेंट सिट्रस नींबू, ये क्या है? नींबू। डेट पाम की बात करें, खजूर। उसके बाद अनार एक थोड़ा सा यहाँ महंगा है, क्या है? अनार। फिग की बात करें तो ये क्या है? अंजीर। क्या है? अंजीर। अबोकाडो, 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 ये इंपॉर्टेंट। लीची की बात करें तो लीची राजस्थान में होते नहीं है, स्टार लगाना। ग्रेप्स नहीं होते हैं, कम होते हैं, गंगानगर के हनुमानगढ़ एरिया में थोड़ा बहुत हो जाते हैं। लोकार्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है लोकार्ट, केवल इन दोनों पे स्टार लगाना, ये दोनों सब ट्रॉपिकल का है, बाकी तुम्हें सब राजस्थान में मिल जाएंगे। एवोकाडो तो अपने पढ़ना नहीं है तो एवोकाडो में दिक्कत नहीं आएगा, बाकी ये सब कहाँ मिल जाएंगे? राजस्थान में। बेर मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा, ये सब सब कहाँ मिल जाएंगे? राजस्थान। अब कहानी को शुरू करते हैं, देखना। एक तो ऐसा क्लाइमेट तुम बता दोगे कि गुरुजी निम्नलिखित में से कौन सब ट्रॉपिकल है, तो जो राजस्थान में होते हैं, और राजस्थान में जो होते हैं वो सूखे प्रदेश में है। सूखे प्रदेश में है तो यहाँ सिंचाई क्या चाहिए? कम चाहिए। और सूखे प्रदेश में है तो मिट्टी कैसी होगी? लवणीय होगी, सेलाइन सॉइल, जिसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। ऐसे फलों का पीएच, ऐसे फलों का पीएच मोर देन सॉरी ग्रेटर देन कितनी होगी? 7। क्या होगा? ग्रेटर देन 7। 7 से क्या होगा? ज्यादा। अब आपको पूछ ले बेर का तो 7.5 के आसपास, रटना नहीं है पीएच। और अनार का आराम से लगा दो सूखे प्रदेश में, कहां काम आएंगे? बड़े होने के बाद। ये कॉन्सेप्ट ना तुम मर भी जाओगे ना तो भी काम आ जाएंगे। वैसे प्रदेश में हम कौन सा फल लगाएंगे? जहां एरिया सूखा है, इन सबको, इन सबको लगाओ, दनादन लगेंगे। अब इसका टेम्परेचर कितना दे दोगे बताओ? 28 से 32। कितना देंगे? 28 से 32। क्या ये अपने पति को गिरा देंगे भाई साहब? तो बिल्कुल गिराएंगे। तो एक बार इसका फल देख लेते हैं, फिर इस पे हम सेम चर्चा करेंगे जो उधर चर्चा कर रहे थे। देखो ये है अंजीर, ये क्या है? अंजीर। और अंजीर एक्चुअल में है क्लाइमेट्रिक, क्या है? मीठा लगता है। और अंजीर का फल प्रकार होता है साइकोनस, तो तुम्हें दिखाते भी जाता हूं, पीछे रिवीजन भी कराते जाऊंगा। क्या है ये? साइकोनस। ये भी मल्टीपल फ्रूट्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एमएफ का। मल्टीपल फ्रूट्स का उदाहरण है साइकोनस। ये अवोकाडो, अवोकाडो का फल प्रकार इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ लेगा? फल प्रकार, फ्रूट टाइप क्या होता है? तो इसका फ्रूट टाइप होते हैं बेरी। क्या होता है? और इसमें वसा की मात्रा इंपॉर्टेंट, फैट की मात्रा जो होते हैं इसमें अवोकाडो में, फैट ये होते हैं 26%। ये बहुत अच्छा प्रश्न, अवोकाडो में फैट कितना होते हैं? 26। तो ये अवोकाडो आपने सुन लिया। ये है लीची, बिहार में इसकी एनआरसी है, बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में क्या होते हैं? लीची। ये लीची और अंगूर राजस्थान में नहीं के बराबर होते हैं, केवल आप नाम सुनते हो, हालांकि उपयुक्त जलवायु राजस्थान में नहीं है, अंगूर का भी नहीं है, जबरदस्ती हम गंगानगर के क्षेत्रों में लगा देते हैं हनुमानगढ़ वाले एरिया में। इसका ये भाग जो है इसी को बोलते हैं एरिल, जो खाते हो ना लीची की कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। तो इसको क्या बोलोगे? एरिल। अब इसका फैमिली इंपोर्टेंट है जिसको बोलते हैं सैपनीडिएसी। कौन सा फैमिली है बताओ? सैपनीडिएसी। और इसका उत्पत्ति मैंने बताया था, क्या है? चीन, चाइना। दो पॉइंट अभी इंपोर्टेंट इसका। इसके फल प्रकार पूछ ले तो इसका फल प्रकार है नट। क्या है? नट। मैंने याद कराया था इंग्लिश के लास्ट में क्या होना चाहिए? नट। लेकिन अपवाद में दो, कोकोनट नट नहीं है,
कोकोनट नट नहीं है, कोकोनट में तो गुठली होते हैं अंदर, तो वो ड्रूप का उदाहरण है, किसका है? ड्रूप, और इसका नट है, लीची किसका उदाहरण है? नट। तो तीन स्टार से इसको सम्मानित करके याद रखना। हालांकि पहले मैं 30-40 वीडियो जो पढ़ाया हूं जनरल, उसमें पढ़ा चुका हूं आपको कि ये क्या है, नट। अब आते हैं लोकाट, इसकी क्या विशेषता है? लोकाट एक ऐसा सब ट्रॉपिकल फल है जो सदाबहार है, इसका यही प्रश्न बनते हैं। हालांकि आपने देखा जितने भी फल आपने देखा सब अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, शुरू से देख लो आप, शुरू से देखो कौन कौन है जो पत्तियों को गिरा देगा, ये गिरा देगा, इसकी पत्ती गिर जाते हैं, फालसा का गिर जाएगा, जामुन गिरा देगा, करौंदा देखा होगा गिर जाएंगे, आंवला सूखा देखा होगा आपने, नींबू का देखा होगा ऐसी कंकाल खड़ा हुआ है, डेट पाम गिरा देगा पत्ती, अनार गिरा देंगे, अंजीर का पेड़ ही नहीं देखा छोड़ दे, जितना देखा उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, तभी तो जनरल फल का नाम है। ये सारे फल जो होते हैं ये अपने पत्ती को क्या करते हैं बताओ, गिरा देते हैं, और पत्ती को गिरा देगा ये बेल है जो शंकर भगवान पे चढ़ाते हो, यही तीन पत्ती को तोड़ के हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान जी, शंकर भगवान बोलते हैं, बोलो बच्ची क्यों आई हो, भगवान आपके जैसा ही बर चाहिए। शंकर भगवान के पास देखा होगा ज्यादा लड़का उड़का नहीं जाते, अधिकांशता भीड़ उनके पास लड़कियों की लगती है ना, किस लिए, भगवान आपके जैसा ही बर चाहिए। शंकर भगवान मन ही मन सोचते बर तो मैं एक ही हूं, और मेरे जैसा दूसरा तो पृथ्वी पे कहां आएंगे, पागल नहीं आएंगे ना। तो ये तीन पत्ती देते हैं शंकर भगवान के, ये जो लिंग बनते हैं ना उसका ही ये सिंबल है। कभी कभी पूछ लेता है बेल किसका प्रतीक है, शंकर भगवान का है, किसका है, शंकर। अब छोड़ो इसमें कहां कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट थे हमारे पास कि ये जो सब होते हैं ये कैसा होता है बताओ, पतझड़ी, कैसा होता है, पतझड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसीडुअस। आज इतना अच्छा कॉन्सेप्ट तुम ग्रहण करके जाओगे। अब डेसीडुअस में कोई और फल बचा है इसका, सब ट्रॉपिकल का नहीं बचा। अब डेसीडुअस में इसका टेम्परेचर बता दो, तापमान क्या रखोगे सब ट्रॉपिकल का, कितना रखेंगे, 28 से लेकर 32, लेकिन जो एरिड के अंतर्गत आएगा उसको हम 32 से लेकर 35 डिग्री के आसपास रख सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे बेर हो गया, खजूर हो गया, इन सबको लगाओ गर्मियों में, कोई दिक्कत नहीं हो, बोलेगा मजा आ रहा है गर्मी देखकर। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। ज्यादातर ये किसमें आएंगे, ज्यादातर जो खट्टा लगेगा कड़वा लगेगा वो किसमें आएंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक। और ये जो फल होते हैं वो कैसा होंगे दोस्त, सस्ता होंगे, कैसा होगा, सस्ता। अभी मैंने बोला 10 रुपए 15 रुपए, तो ये सस्ता होते हैं, और इनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। किसमें पूछा जाए, कौन ऐसा फल है जिसमें सिट्रिक एसिड ज्यादा होंगे, जनरली अगर ये शब्द बोला जाए तो सब ट्रॉपिकल में, किसमें होंगे बता, सब ट्रॉपिकल। अब इधर हम चर्चा कर लेते हैं, अगला पॉइंट इसकी पीएच की बात करेंगे, तो पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। कौन सी मिट्टी में लगाओगे जिसकी पीएच क्या होंगे, 7 से ज्यादा। केवल किसको छोड़कर, बेल को छोड़कर, किसको छोड़कर, बेल को छोड़कर। बेल को आप अम्लीय मिट्टी में भी लगा सकते हो, कहां लगा सकते हैं बताओ, अम्लीय मृदा में भी किसको लगा सकते हो, बेल को लगा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, गुरु जी ये जो डेसीडुअस था, पतझड़ी था, तो इसके कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखो कितना अच्छा साइंटिस्टों ने कॉन्सेप्ट दिया जो टीचर लोग बेचारे बताते ही नहीं। डेसीडुअस है तो इन सब में करेंगे ट्रेनिंग, और क्या करेंगे बताओ, प्रूनिंग। तेरे प्रश्न हमेशा ये आता है, निम्नलिखित में से किसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं, तो किसमें करोगे, वैसे फल जो अपने पत्तियों को घिरा देते हैं उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। और जो ट्रेनिंग होते हैं इसमें मैंने बोला था कैसा कटाई करोगे, भारी कटाई, कैसा करेंगे, भारी हैवी कटाई। और ये होते हैं बचपना में, यानी इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल अवस्था में पूछा जाए तो क्या करते हैं, ट्रेनिंग। और बाद में जब फूल आ जाए, आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावर के बाद वहां पे हम करते हैं प्रूनिंग, और प्रूनिंग का मतलब होता है हल्की कटाई। और प्रूनिंग में उत्पादन होता है फल,
उत्पादन के लिए प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं प्रूनिंग, और पेड़ की आकृति देना है, शेप देना है, इसके लिए हम करते हैं ट्रेनिंग। क्या करते हैं? ट्रेनिंग। तो ये छोटी सी पॉइंट, आपको पूछेगा क्या क्या प्रश्न बनते हैं इससे, वो भी प्रश्न ले लेता हूं। आपने देखा होगा सब ट्रॉपिकल से ही आते हैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग का प्रश्न, और कहीं से नहीं आएगा। किसका किसका आता है? तो एक बेर का आ जाएगा, बेर में पूछेगा कि भाई साहब ट्रेनिंग कब करते हैं, प्रूनिंग कब करते हैं। अच्छा बताओ, ट्रेनिंग पहले आएगा या प्रूनिंग पहले आएगा? इतना कॉन्सेप्ट तो बन गया, तो ट्रेनिंग पहले आएगा, प्रूनिंग क्या आएगा? बाद में। तो बेर में फरवरी महीने में तो हम करते हैं ट्रेनिंग। क्या करते हैं बताओ? ट्रेनिंग। इसकी और ट्रेनिंग, और दूसरा अगर हम सॉरी फरवरी मार्च में तो इसको लिख दो, ये करते हैं, क्या करते हैं इसका? हार्वेस्टिंग। क्या करते हैं बेर का? हार्वेस्टिंग। तो ये हार्वेस्टिंग, सरस्वती पूजा जब होती है ना, धीरे धीरे ये महीना थोड़ा बढ़ गया। मार्च जब बसंत पंचमी आते हैं, देखा होगा प्रसाद में बेर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बेर। तो ऐसे याद रखेंगे, फरवरी मार्च में तो इसकी कटाई करते हैं। तो मार्च, अब हो सकता अप्रैल फर्स्ट भी कहा जाए, क्योंकि क्लाइमेट तो अब चेंज होने लगे। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, अप्रैल और मई, इसका यही प्रश्न आते हैं, अप्रैल और मई यहां पे करते हैं प्रूनिंग। क्या करते हैं? प्रूनिंग। तो ये ध्यान रखोगे, पूछेगा बेर में प्रूनिंग कब करते हैं बताओ, तो ये करते हैं अप्रैल और मई में। दो पॉइंट आएगा, अंगूर पूछ लेगा, तो अंगूर में करते हैं दिसंबर और जनवरी। कब करते हैं? दिसंबर और जनवरी। और एक फालसा पूछेगा आपसे, इसके अलावा नहीं आता है, फालसा में भी करते हैं दिसंबर और जनवरी। जानते हो ये दिसंबर जनवरी है नॉर्थ इंडिया के लिए, जब आपसे उत्तरी भारत पूछा जाए तब आप आंसर टिक क्या करोगे? दिसंबर जनवरी। अभी आप क्यों लगा दोगे? अभी देखना, एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा दूंगा बडिंग का, और ये बच्चा ना इतना रटेगा इसको, तो टोटल कंफ्यूज हो जाएगा वो पूरी तरह। अब अगर यही प्रश्न आएगा साउथ इंडिया में, तो दो तरह के प्रूनिंग होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कौन कौन होते हैं? फॉरवर्ड प्रूनिंग और बैकवर्ड प्रूनिंग। ये करते हैं अप्रैल में, ये क्या करते हैं बताओ? अप्रैल में। और ये करते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो दो तरह के प्रूनिंग कहां होते हैं? साउथ इंडिया, जो अपने एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, नहीं आएंगे। केवल क्या आता है बताओ? दिसंबर और जनवरी। तो ये तीन प्रश्न तो आपके एकदम फिक्स, जो हमेशा रिपीट होते हैं, बेर में फरवरी मार्च, अंगूर में दिसंबर जनवरी, फालसा में कब करोगे? दिसंबर और जनवरी। और कभी भी प्रश्न आपको आंवला से आ जाए, ये भी आते हैं, आंवला में फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन कब होगा, आंवला में बडिंग कब करते हैं, क्योंकि ये भी किसका है? सब ट्रॉपिकल का। तो आंवला से आ जाए, तो आंवला में आप याद रखना फरवरी का महीना, एकदम फिक्स याद रखना, जिस ऑप्शन में फरवरी आ जाए वो टिक कर देना। आंवला में ट्रेनिंग पूछ ले तो भी फरवरी आपको टिक करना है। तो चार प्रश्न, और एक और आएगा ट्रेनिंग से प्रश्न, वो है अनार, जो जीआरएफ में आया हुआ है अनार, पोम ग्रेनेट। क्या नाम है? पोम ग्रेनेट। इसमें करते हैं सिंगल स्टेम ट्रेनिंग, सिंगल स्टेम यानी एकल तना, एकल तना ट्रेनिंग किसमें किया जाता है? ट्रेनिंग, एकल तना ट्रेनिंग, एक एक तना को काटते हैं, वो किसमें करते हैं? अनार में। ये जेआरएफ 2013 मेरे एग्जाम में आया था, कोई नहीं पढ़ाया था, तुक्का मार के आया था, सही हो गए, पता नहीं था सच में। सिंगल तना ये किसमें करते हैं बताओ? ये करते हैं अनार में। ये चार पॉइंट याद रखोगे ट्रेनिंग से, क्या क्या है बताओ? बेर में फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग, उसके बाद अप्रैल मई में क्या करेंगे? प्रूनिंग। अंगूर में दिसंबर जनवरी, फालसा में दिसंबर जनवरी, आंवला का कोई भी प्रश्न आ जाए फरवरी, अनार में कौन सा तना? सिंगल तना। कैसी तना? सिंगल। अब हम आते हैं इसके मजेदार कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है बडिंग। क्या है बताओ? बडिंग। या पूछेगा ग्राफ्टिंग, कि बताओ इसका बडिंग और ग्राफ्टिंग कब करते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग का टाइम। ये सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, बडिंग और ग्राफ्टिंग का टाइम। हालांकि एक्चुअल में ये बडिंग और ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा होता है सर्वाधिक
अपनाया जाता है, ये पूछा गया है प्रश्न, सर्वाधिक अपनाया जाता है किस क्लाइमेट में अपनाया जाता है, तो आंसर आएगा टेम्परेट में। सबसे ज्यादा ये ग्राफ्टिंग बडिंग किस क्लाइमेट में करते हैं बताओ, टेम्परेट फ्रूट्स में। किसमें करते हैं, टेम्परेट, ये याद रहेगा। किसमें करोगे, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ट्रेन ई ग्राफ्टिंग बडिंग किसमें करते हैं, टेम्परेट में। ये कोटा का टीए का जो एग्जाम था ना उसमें पूछे, बहुत कम लड़के इसको किए होंगे। किसमें करते हैं, टेम्परेट में। अब देखो, अब हमें टाइम याद रखना है कि सर गुरुजी कब करते हैं। जैसे तुमसे पूछ लिया, 5-7 प्रश्न पहले बता देता हूं, एप्पल में बडिंग और ग्राफ्टिंग कब करते हैं, तुम फिर याद करोगे, याद तो है नहीं। पीच में कब करते हैं, कलम में कब करते हैं, मान लिया जाए ग्राफ्टिंग बडिंग पूछ लिया, आम में कब करते हैं, छोड़ हटाओ, बिनियर ग्राफ्टिंग करते हैं ना आम में, उसका टाइम पूछ लिया कब करते हैं, आंवला में पैच बडिंग करते हैं, पूछेगा कब करते हैं पैच बडिंग, बताना जरा। तो टाइम तो याद ही नहीं है, नहीं याद है ना। रिंग किस में अपनाते हो, बेर में, टाइम पूछ लिया। चिप बडिंग किस में करते हैं, अंगूर में, टाइम पूछ लिया। तो रटाने वाले में यही दिक्कत होते हैं, कितना रटोगे। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जो भी फल क्या है, देसी डुअस, क्या है बताओ, देसी डुअस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पतझड़ी। इसके बडिंग ग्राफ्टिंग का टाइम बी और जी टाइम जो होगा, बी और कौन टाइम, जी टाइम, बडिंग और ग्राफ्टिंग टाइम दो होंगे। कौन कौन, एक तो होगा दिसंबर, क्या होगा, एक दिसंबर जनवरी में कर दो भाई साहब। जैसे इसका कोई भी आंसर टेम्परेट फ्रूट्स का आ जाए, किसका आ जाए, टेम्परेट फ्रूट्स का, तो उसका आंसर दिसंबर जनवरी। और एक करते हैं अर्ली स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन का मतलब बताओ फरवरी और मार्च, कौन करते हैं बताओ, फरवरी और मार्च। तो एक तो आप करोगे किस सीजन में, विंटर में, और दूसरा हम कब करते हैं, फरवरी और मार्च, यही दो सीजन होते हैं जिसमें आप करोगे। लेकिन अगर आ जाए एवर ग्रीन, जैसे आम आ जाता, एवर ग्रीन, चीकू है, इन सब में, तो एवर ग्रीन में हम करते हैं सेम सीजन जब वर्षा हो, यानी जून जुलाई रेनी सीजन में, कब करोगे बताओ, रेनी सीजन में। तो अब आप हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, बताओ कभी भी प्रश्न तुमसे पूछ ले, देखो अब आपको आ जाए टेम्परेट में, दोनों ऑप्शन आ जाए गुरुजी। कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर ऐसा ही ऑप्शन देगा आपके, दिसंबर जनवरी देगा, यहाँ क्या है फरवरी मार्च देगा, जून जुलाई देगा। अब मुझे आप दिमाग लगा के खेलना, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर आपको आ जाए सेब में ग्राफ्टिंग की टाइम कब है, सुनो सुनो, दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए, नहीं हो जाएगा, -14 -15, और फरवरी मार्च में वहां रहते हैं 5-6 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री 6 डिग्री। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है बताओ, बडिंग का मतलब क्या है, अपनी प्रोजनी को बढ़ाना, सबसे अच्छी क्लाइमेट होना चाहिए, ठंडा मिलना चाहिए, तो ठंडा में अति ठंडा नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम टिक क्या करेंगे बताओ, फरवरी और मार्च। तो ये 2-3 टिक कर देता हूं तुझे, क्या करोगे, फरवरी और मार्च। अब इसके डोरमेंसी कब होते हैं इनका, तो वो होते हैं दिसंबर और जनवरी में। डोरमेंसी कब होगा, टेम्परेट फ्रूट्स की डोरमेंसी, सुसुप्त अवस्था कब पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है दिसंबर और जनवरी में। तो दिसंबर जनवरी में सुसुप्त अवस्था है, इसी टाइम हम करते हैं इसमें ट्रेनिंग। अरे जब पेड़ पौधे में ग्रोथ नहीं है उसी टाइम तो काट छाट करोगे, कि जब पूरा फूल लग जाए तो पेड़ को काट दोगे, कब करेंगे, जब सुसुप्त अवस्था कंकाल है उस टाइम उसको क्या कर दो, हल्का हल्का काट। दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आ रहे हैं या नहीं। यहां अर्ली सीजन में हम लिख देते हैं, क्या करोगे, ग्राफ्टिंग लिख दूं, क्या करेंगे इसका, ग्राफ्टिंग, तो ये दोनों याद रहेंगे, ग्राफ्टिंग और ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कब करेंगे इसका, दिसंबर और जनवरी। और एवरग्रीन जो आ जाए, मैंगो उंगो आ जाए, तो इसमें कब करोगे बताओ, जून और, ठीक है चले आ गए।
हम अब बात करते हैं किसका, टेम्परेट का, किसका बात करेंगे, टेम्परेट का। देख लो टेम्परेट में क्या क्या है, एप्पल, पियर, प्लम, वालनट, पीच, एप्रिकोट, एलमोंड, चेरी, स्ट्रॉबेरी, कौन कौन। यहां तो इसका हो गया नाम क्या, सेब। पियर को क्या बोलते हो, नाशपाती। प्लम को क्या बोलते हैं, आलू बुखारा, क्या बोलोगे, आलू बुखारा। इसका पीच एक और छूट गया, पीच को हम क्या बोलेंगे, आडू। पीच को क्या बोलोगे, आडू। वालनट क्या है मेरे दोस्त, अखरोट। जानते हो इसका फैमिली कोई अगर पूछ ले तो इसका फैमिली होता है जंगलेंडिएसी, नाम ही नहीं सुना होगा कभी, छोड़ दे रहने दे। पीच का मतलब होता है आडू, क्या है, आडू। एप्रिकोट, एप्रिकोट आलमोंड, इन दोनों का फैमिली है रोजेसी, क्या है, रोज। ये ना टेम्परेट फ्रूट बड़ा इजी है याद करना। देखो सेब, मैं कुछ याद करा देता हूं, एप्पल और पियर, इसको इंग्लिश में लिखूं, एप्पल और पियर, इन दोनों का क्रोमोजोम 34 और फैमिली है रोजेसी। टेम्परेट फ्रूट कोई भी पूछ ले रोजेसी, कहां तक, कोई भी नहीं, अखरोट में रुक जाना है। और नट का राजा कौन है, अखरोट, और रानी कौन है, पिस्ता, पीनट, पिस्ता, काचू नट जिसको बोलते हैं, इन दोनों का फैमिली है जगलेंडिएसी। अजीब नाम है। अब देखे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, और इसके बाद एप्रिकोट, एप्रिकोट एक और है, एलमोंड, ए वाला आ गया ना, इन सब का फैमिली क्रोमोजोम 16 और फैमिली रोजेसी। रोजेसी एक टिक तो कर सकते हैं ना, टेम्परेट फ्रूट का फैमिली जनरली क्या होता है, रोजेसी, क्या होता है बता, रोजेसी। सर ग्रेप फ्रूट डेसीडुअस है क्या, हाँ बिल्कुल, ग्रेप फ्रूट क्या है, चले ये क्या है, देखो पियर, नाशपाती, ये क्या है, देखे वो नाशपाती, ये नाशपाती, ये क्या है, प्लम, कितनी बार दिखाया हूं, ये क्या है, प्लम, आलू बुखारा कहते हैं, ये क्या है, पीच, आडू, गुठली है इसलिए इसका फल प्रकार क्या होगा, ड्रूप, क्या होंगे, ड्रूप, ये क्या है, अखरोट, अखरोट ऐसे लगे रहते हैं, जिसका जितना प्रोटेक्शन उतना महंगा, एकदम देख इसको, और अभी एक बार तोड़ोगे तब निकलेगा अंदर अखरोट, अमीर अमीर लोग खाते हैं। ये एप्रिकोट, ये क्या है, एप्रिकोट, देखो कितना एकदम सज धज के रहते हैं ये सब, एप्रिकोट। ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये एकिंस कहलाता है, ये वाले जो बार बार बोलता था ना कि कभी तुझे बता दूंगा, मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, तो ये एकिंस है, ये क्या है, एकिंस। तो ये सारे एकिंस का एक गुच्छा लगा हुआ है, पुंज है, इसी को बोलते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट किसका एग्रीगेट हो रहा है गुरु जी, एकिंस का। तो इसे बोलते हैं क्या, इटारियो ऑफ, इटारियो ऑफ एकिंस, इटारियो ऑफ एकिंस। तो किस फल का उदाहरण है बताओ, एग्रीगेट फ्रूट्स का, इटारियो ऑफ एकिंस, किस में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में, ये है चेरी, ये क्या है, चेरी, देखे वो ये चेरी। अगला हम बात कर लेते हैं आलमोंड, ये है देखो बादाम, जो खाते हो ना, ये ऐसे झाक रहा है, मैं बाहर आऊं, यहाँ पे ये बाहर निकला, देखो अभी इसको निकलने के बाद एक बार और तोड़ना है तब ये आते हैं बादाम। तो कितना मुश्किल से बादाम आता है, देख लिया, फल तो दिखा दिया, अब इसी को देखने के लिए तुझे जम्मू कश्मीर जाना पड़ता, तो वो सारे पैसा मैंने बचा दिया ना यहाँ पे। तो ये हो गए आपके आलमोंड। अब ये क्लासिफिकेशन जो था ये आज आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा पॉइंट और बच गया है, प्रोपगेशन पढ़ा चुका हूँ, फ्रूट टाइप पढ़ा चुका हूँ आपको, ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गया, डेसीडुअस नेचर हो गया, एवर ग्रीन हो गया, बडिंग टाइम हो गया, ग्राफ्टिंग टाइम हो गया, टीएसएस, एक लास्ट पॉइंट है, टीएसएस, टीएसएस को बोलते हैं टोटल सोलबल सॉल्यूट, कहीं कहीं टोटल सोलबल सॉल्यूट, एस ओ एल यू टी ई, कुल घुलनशील विलय, हिंदी में क्या कहोगे इसको, कुल घुलनशील विलय। अब आप देखो
जितने टीएसएस आते हैं उसका आंसर एक ही बार प्राप्त करेंगे। इसको मापते हैं हम किससे, कोई बताएगा? मापते हैं हैंड रेफ्रेक्ट्रो, हैंड रेफ्रेक्ट्रोमीटर से। इसका यूनिट किस में आता है इकाई, तो वो डिग्री ब्रिक्स में। इसमें इकाई आते हैं ब्रिक्स। इसी के नाम पे एक और मीटर यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रिक्स मीटर। तो अगर पूछा जाए ब्रिक्स मीटर से किसको मेजर करते हैं, तो टीएसएस। अब हम समझते हैं गांव की भाषा, ये तो बुक कुक हो गया, बुक वाले हम कहां समझते हैं बच्चे। टीएसएस का मतलब होता है ना, किसी भी फल में कितना घुलनशील विलेय। अब विलेय समझ में आना चाहिए आपको, सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो हमारे तो सर बताते थे सॉल्यूट वो होता है जो विलायक में घुल जाए, सॉल्वेंट में घुल जाए, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। लेकिन केमिस्ट्री में खत्म हो जाएंगे कहानी। जैसे एक कट्टा है चीनी का 50 kg का, तो चीनी हमारे टीचर क्या पढ़ाते हैं, विलेय, सॉल्यूट है। उस एक कट्टा 50 kg वाले कट्टा पे, 50 kg वाले ये चीनी के कट्टे पे 1 liter आप पानी डाल दो, 1 liter क्या डाल दिया, आप बताओ कौन विलेय है, कौन विलायक, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, आप इसमें क्या बोलोगे। अच्छा ये 50 kg चीनी 1 liter पानी में घुलेगा, 1 liter पानी नरोगे हटाओगे, ये 1 liter पानी होगा, इसमें 50 kg चीनी डंडना के डाल दे तो पानी अखबका जाएगा, अरे के आ रहा नहीं रे इतना, तो वो अखबका जाएगा, बोलते नहीं 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 हम इतना नहीं घुले, वो हमार क्षमता तो केवल करना है 200 से लेकर 300 ग्राम तक। बिलियन में पढ़ेंगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड क्या होता है वो बाद में। तो ये पानी मना कर देगा ना, ज्यादा ज्यादा 200 ग्राम घुला सकता हूं भाई, ये 50 kg मेरे बस की बात नहीं। तो यहां तो वो थ्योरी गलत हो जाएगा। जब हम बिलियन बनाते हैं, क्या बनाते हो बताओ, बिलियन सॉल्यूशन, तो जिसका मात्रा कम होता है, मात्रा क्या है कम, वो विलेय कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो बताओ यहां पे यही चीनी अब कहला रहा है सॉल्वेंट। अरे सर दुनिया में सब जगह हेरा फेरी है, सब बदल सकते हैं एक दूसरे में, अब ये चीनी क्या कहला रहा है, विलायक। अब आप गांव की भाषा में समझते हैं, एक आम लिया, आम का गुदा लिया हूं, गुदा में बोलता है, एक प्रश्न जैसे कल देख रहा था तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, आम की कौन ऐसी किस्म है जिसमें गुदा का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, बताना। ऐसे ऐसे याद आ जाते हैं तो कभी कभी पूछ लेता हूं, आम की कौन ऐसी किस्म है, ऑनलाइन वाले भी बताना, जिसमें गुदा की प्रतिशत, गुदा को पल्प बोलते हैं, पल्प की प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दे दूं, शायद आप कुछ कर सकते हो, एकदम दिमाग का है रे। अब वैसा एग्जाम नहीं होते हैं, अब तुम क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए आ जाता आपके एग्जाम में, आप बोलते सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, यही बोलोगे सबसे अच्छा तरीका, नहीं मिला ही नहीं था आपके नोट्स। ऑप्शन मल्लिका, आम्रपाली, सिंधु, अर्का नील किरण। तुम दिमाग लगा लो क्या करता, अरे सिंधु जब 7 ग्राम का गुठली है, ये आम है, इसमें गुठली छोटा है तो बाकी क्या है, गधे गुदा है। अब इस प्रश्न को ऐसे पूछा, तुम बोलते हैं साफ साफ आपने लिखाया नहीं था कि इसमें पल्प की मात्रा ज्यादा होते हैं, कौन आंसर था बताओ, सिंधु, 83% गुदा होते हैं, कितने होते हैं 83 से। अब ये सब सोचता हूँ क्या जानते हो, ये आरएसआर का लेवल का है, क्या छोटे मोटे बैच में क्या पढ़ाऊंगे, तो ज्यादा पढ़ाते जाऊंगा तो सब मुझे तो इम्पोर्टेंट ही लगते हैं। तो ये हो गए, चलो मैं कहाँ था, कहानी को समाप्त करता हूँ ना, टोटल सॉल्युबल सॉलिड किसे कहेंगे। अब आप समझना, कोई गुदा है तो गुदा में देखना है विलेय कितना है, घुला हुआ कितना विलेय उसमें क्या है, घुले हुए। तो ये चीजों को तो हम पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विलेय नमक भी है,
विलय क्या है, चीनी भी है, कार्बोहाइड्रेट भी विलय में है, प्रोटीन भी किस में आता है, विलय, जो घुल जाए वो क्या है, विलय में। अब आपको ये पता करना है, एक गांव की भाषा से बता देता हूं, जिसमें जितना ज्यादा मिठास होता जाए ना, सब पे लागू नहीं होता है पर काम हो जाएंगे, जितना ज्यादा मिठास आता जाए उसका टीएसएस उतना ज्यादा हो, उतना क्या आएगा, ज्यादा। अब ये भी नहीं समझ में आया तो ऐसे याद रख लेना, अ से आम और अ से अंगूर, इन दोनों का टीएसएस तो होता है जनरली 20 डिग्री ब्रिक्स, क्या होते हैं 20। आम में सबसे ज्यादा टीएसएस किस वैरायटी की होती है, जैवनीन, क्या है, सर्वाधिक टीएसएस, अंकित सर पढ़ाए होंगे, क्या नाम है ये, बी ऐसे लिख दूं, किसका है, जेबीए, 24 से 25 तक होते हैं डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। अगला, अब इसका आधा कर दो, आधा कौन है, अमरूद, अ से आम, अ से अंगूर, अ से अमरूद, आधा इधर कर दे, 8 से 10। अब तुम्हें बाकी जो आएगा प्रश्न, कौन कौन आएंगे, आपके अनार आ सकता है, आपके पास केला आ सकता है, आपके पास अनानास आ सकते हैं, एक केला इधर हटा दे, अनार अनानास, अब लिखता हूं केला, इन सब की टीएसएस होते हैं 11 से लेकर 13 डिग्री ब्रिक्स। टीएसएस में इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, बताओ, अ से आम, अ से अंगूर, इसका कितना रखोगे, 20, अमरूद का कितना है, हाफ, बाकी किसी का बने तो 11 से लेकर 14-13, इसके बीच आप आंसर क्या कर देना, टिक कर देना। तो ये हो गए कंप्लीट क्लासिफिकेशन, 13 टॉपिक आप मिला लेना, आज हमने खत्म कर दिया। एक नरेंद्र भैया बोल रहे थे एडबल पार्ट नहीं कराए हो, जो कि मैं करवा चुका हूं, एडबल पार्ट खाने योग्य भाग करवा दिया था ना, ये हो गए हैं। अब जो कल हमारा टॉपिक शुरू होगा दोस्त, वो फ्रूट 1 शुरू हो जाएंगे, और कौन सा फ्रूट हमें पढ़ना है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, कौन सा लेंगे बताओ, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। जो आज का वीडियो अगर नहीं देखा क्लास, तो कल कोई काम का आपका क्लास नहीं है, क्योंकि जनरल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 40 लेक्चर हमने पढ़ा दिया जनरल में। अब हम कल शुरू करेंगे फर्स्ट क्रॉप जिसका नाम है मैंगो, एकदम डिटेल चलेगा मैंगो, 2-3 दिन का ये लेक्चर होंगे मैंगो आम, ठीक है। तो आज की कहानी यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल आपके साथ इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्त, सब्सक्राइब कर देना, आधा चंडाल तो यहीं बैठा है, तू लोग सब्सक्राइब किए कि नहीं, कर दिया, कर रखा, मैं चेक कर लूंगा फिर। पुष्पेंद्र जी, वैरवा, चले, मोहित मेहता, सबको धन्यवाद धन्यवाद, आगे बढ़े, कल मिलेंगे आप लोगों से, चलो आप लोग भी जाएं।